हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का NCERT गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आपकी समझ को और ज़्यादा गहरा करेगा और आप इसको धैर्य के साथ देखेंगे तो ये आप पे पूरा बनेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ आकृति दी गई है। आकृति का नाम है 8.22 और क्वेश्चन में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। और कुछ बातें हमें बताई गई हैं, जैसे कि AB बराबर DE और AB समांतर DE। तो क्वेश्चन तो हमें तभी समझ में आएगा जब हम इसकी आकृति सामने रख लेंगे। तो ये देखिए, ये आकृति है और इसी आकृति का नाम है 8.22। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। तो ये देखिए, ये है त्रिभुज ABC, ये है त्रिभुज DEF। तो ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। इसमें इन्होंने ये बताया है कि AB बराबर DE, यहाँ पे ये है। तो ये देखिए, ये AB जो भुजा आपको दिख रही है A से लेके B तक, ये किसके बराबर है? DE के बराबर है। आगे लिखा है AB समांतर DE। इन्होंने ये भी बताया है कि जो AB है ये DE के समांतर भी है। तो AB और DE ये दोनों समांतर भी हैं और एक दूसरे के बराबर भी हैं। अगर हम केवल इतना जो देखें, AB और DE को देखें, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं दूसरे चित्र में कि AB और DE आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और साथ में ये भी दिया गया है कि ये दोनों आपस में समांतर हैं। इसी तरीके से इन्होंने दिया है कि BC समांतर EF। आप यहाँ पे देखिए, ये है BC और ये है EF, तो ये दोनों भी एक दूसरे के समांतर हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। तो अगर हम इनको अच्छे से देखें और दोनों बराबर भी हैं, BC और EF एक दूसरे के बराबर भी हैं और ये समांतर भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कि ये जो BC है ना, ये EF के बराबर है और बिल्कुल समांतर है। तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि सीड्सों AB और C को, तो ये सीड्स A है, ये वाला सीड्स B है और ये वाला सीड्स C है। इनको किससे जोड़ा गया है? DE और F से। तो A को जोड़ा गया है D से, C को जोड़ा गया है F से और B को जोड़ा गया है E से। तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे आकृति में हमें दिखाया गया है। तो हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि इसमें दो त्रिभुज हैं, पहला है ABC और दूसरा है DEF। दो त्रिभुज हैं जिनमें से त्रिभुज की एक भुजा AB त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की भुजा DE के बराबर है और समांतर है। उसी तरीके से हमें और एक चीज़ समझ में आती है कि जो BC है वो EF के समांतर है और बराबर है। तो हमें यहाँ पे कुल मिला के एक ही बात यहाँ पे नोटिस करनी है कि जो दो त्रिभुज है ना, ABC और DEF, इसमें AB और DE समांतर हैं एक दूसरे के और बराबर हैं, और BC और EF एक दूसरे के बराबर और समांतर हैं। तो हुआ ना क्लियर? अब इसमें जो इनके संगत शीर्ष हैं, जैसे त्रिभुज ABC का शीर्ष हो गया AB और C, तो शीर्ष A को शीर्ष D के साथ कनेक्ट किया गया है, शीर्ष C को F के साथ मिलाया गया है और B को E के साथ जोड़ा गया है। तो इनको तीनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया है। आगे यहाँ पे हमें कुछ 6 चीज़ें सिद्ध करनी हैं। ये 6 चीज़ें जो हैं, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हम इनको एक के बाद एक समझते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, दिया है,
चलिए अब दिया है वाला पोर्शन हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ क्वेश्चन में ही देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में एबी बराबर डीई, तो जो एबी है वो डीई के बराबर है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि जो एबी है वो हमें बराबर दिया गया है किसके, डीई के। अब ये दोनों बराबर होने के साथ साथ यहाँ पे हमें एक चीज़ और दर्शाई गई है, ये समांतर भी हैं, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं लेकिन समांतर भी हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा ये जो भुजा है ए बी ये समांतर भी है इसके डी ई के। तो ये देखिए बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। उसी तरीके से ये बी सी और ई एफ के साथ हुआ है, बी सी और ई एफ बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, ये बी सी और ये ई एफ ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो बी सी है ये ई एफ के बराबर है तथा समांतर भी है, यानी कि बी सी जो है वो समांतर भी है ई एफ के, ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि शीर्षों ए बी और सी को डी ई और एफ से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः उनके संगत डी ई और एफ से जोड़ा गया है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाती। तो ये सब आपको सिद्ध कर दिया है, हमें लिखना है। अब हमें दर्शाइए का मतलब क्या होता है बताइए। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। तो ये पांच चीज़ें हमें सिद्ध करनी है, तो ये क्या करेंगे, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, इसमें ये पांचों छह चीज़ें जो है ना, ये छह की छह हम क्वेश्चन देख के लिख लेते हैं यहाँ पे, पूरा छः की छः क्वेश्चन देख के, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, अभी क्वेश्चन देख के ही लिख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया है पहले से ही। तो अब हम एक एक करके सिद्ध करेंगे सब चीज़ों को। तो बस आपको ध्यान से देखना है, जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। तो यहाँ पर अब हम हेडिंग डाल देंगे उपपत्ति यानी कि प्रूफ। चलिए अब हम पहला जो है उसे सिद्ध करते हैं। पहला हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस चित्र में से हम केवल ए बी सी डी ही निकाल लेते हैं। तो ए बी यहाँ पे ए बी ई डी होगा, यहाँ पे मिस्टेक से सी लग गया, ये होगा ई, और क्वेश्चन में भी यहाँ पे मिस्टेक है, ए बी ई डी होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे चित्र में भी ई है तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, तो ए बी ई डी हो गया। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ए बी ई डी है यह एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। आप देख रहे हैं ना, ए बी ई डी ये हमें सिद्ध करना है यह एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक सिंपल सा फंडा आपको यूज़ करना है, वो क्या है आइए देखते हैं। इस पूरे चित्र में से केवल हम ए बी ई डी निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख रहे हैं ना, बाकी का चित्र हम इग्नोर करेंगे और ये ए बी डी ई निकाल लेते हैं। आप भी इसे जब करेंगे तो रफ में ए बी ई डी बना सकते हैं अलग से। अब क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान हो तो हमें ये बताया गया था कि ए बी जो है वो डी ई के बराबर है और समांतर है। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि ए बी
ए बी बराबर है डी ई के, ये हमें दिया गया था डी ई के, और ये दोनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि ए बी समांतर है डी ई के, बराबर है और समांतर है। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर हों और समांतर हों तो उनके संगत शीर्ष, जैसे पहली भुजा का शीर्ष ए और दूसरी भुजा का शीर्ष डी, ये कहलाते हैं इनके संगत। अगर हम शीर्ष ए और शीर्ष ई की बात करें तो ये कहलाएंगे विसंगत, क्योंकि ये ऊपर है लेकिन ये नीचे है। तो संगत कैसे कहलाएंगे कि जैसे यहाँ पे शीर्ष ए ऊपर है और यहाँ पे शीर्ष डी ऊपर है, तो ये कहलाएंगे संगत शीर्ष। क्या कहलाएंगे? संगत शीर्ष। यहाँ पे देखिए, ये है बी और यहाँ पे क्या है? ई। तो ये बी और ई, ये दोनों कहलाएंगे संगत शीर्ष, क्योंकि बी नीचे है और यहाँ पे ई नीचे है, तो ये कहलाएंगे संगत शीर्ष। तो अब आते हैं बात पे जो हम कर रहे थे, वो क्या थी कि अगर दो हमें भुजाएं बराबर दी हों और दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों तो उनके संगत शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर और समांतर होती हैं। ये याद रखिए, फिर से समझिए, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हों, ये देखिए ए बी किसके बराबर है, ये देखिए डी ई के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, तो आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। और कैसी हैं? समांतर हैं। कैसे पता? क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हों तो उनके संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं, जैसे ये बन गई ए डी, संगत शीर्षों को मिलाया तो कौन सी भुजा बन गई? ए डी। यहाँ पर संगत शीर्ष को मिलाया तो कौन सी भुजा बन गई? बी ई। तो उनकी संगत शीर्षों को मिलाने वाली भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं तब AD भी बराबर होगी किसके? AD किसके बराबर होगी? BE के बराबर। तो AD बराबर होगी BE के, और समांतर भी होंगी, और AD समांतर भी हो जाएगी BE के, AD समांतर भी होगी किसके? BE के। ये दोनों आपस में समांतर और बराबर दोनों हैं। इसके पीछे रीजन क्या देना होगा कि जब दो समांतर और बराबर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाते हैं तो उनसे बनने वाली भुजाएं भी समांतर और बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब दो बराबर और समांतर जब दो बराबर और समांतर भुजाओं के ये देखो आप यहाँ पे, जब दो बराबर समांतर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाते हैं, तो उनसे बनने वाली भुजाएं भी, जैसे यहाँ पे AD बन गई और यहाँ पे B, तो उनसे बनने वाली भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं। ये देखिए, ये भाषा आपको लिख देनी है। तो इस हिसाब से जब AB बराबर है DE और AD बराबर है BE, तो सम्मुख भुजाएं ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हो गई, और समांतर तो है ही, तो ABCD क्या, ABED क्या बन गया? एक समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे तब तो हो गया,
अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये देखिए, ये हमारा पहला सिद्ध हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो सेकंड नंबर पर हमें सिद्ध करना था। पहला हम कर चुके हैं, सेकंड क्या था, चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम इसमें देखेंगे जो हमारा चित्र हमें दिया गया है, BEFC ये एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो अब हम उपपत्ति में सेकंड नंबर डालेंगे और इसमें अब हम लिखेंगे, देखिए हमें अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, BC बराबर है EF, बिल्कुल वैसे ही करना है। आप ध्यान से देखिए, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है। तो जब BC EF के बराबर है, बराबर होने के साथ साथ ये समांतर भी हैं, आप देख सकते हैं, तथा BC समांतर EF हमें दिया गया है। तो जब ये ऐसा है तो फिर इसके संगत शीर्षों को मिलाएंगे तो नई बनने वाली भुजाएं भी बराबर समांतर होंगी। जैसे CF किसके बराबर होगा, B के, तो BC BEFC भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसी तरीके से करना है, तो बस वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, चूँकि हमें क्या दिया गया है कि BC बराबर EF, BC बराबर क्या दिया गया है, EF, चूँकि BC बराबर EF हमें दिया गया है, तथा बराबर नहीं है बल्कि समांतर भी है, तो BC जो बराबर है वो समांतर भी है EF के, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो जब ये चीज़ हमें दी गई है तो हम इसको क्यों ना इस तरीके से लिखें कि जब ये बराबर हैं और समांतर हैं तो इस हिसाब से CF भी बराबर हो जाएगी BE के। तो तब CF भी किसके बराबर हो जाएगी, BE के। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं यही वाली पूरी भाषा की, जब दो बराबर और समांतर, जब दो बराबर और समांतर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाते हैं तो उनसे बनने वाली भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं, भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो जब ये बराबर और समांतर होंगी तो अब देखिए, BC बराबर EF हमें दिया गया था कि ये दोनों बराबर और समांतर हैं, और CF और BE ये हो गए हैं दोनों बराबर और समांतर, आप देख सकते हैं। तो जब ये इसके बराबर और समांतर है, सम्मुख भुजा ये इसके बराबर और समांतर है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लिखेंगे तब या अतः चतुर्भुज BCFE, या ऐसे ही लिख सकते हैं BEFC, चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम बात करेंगे तीसरी समानता की। हम चाहें तो, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है तो हम इनको समीकरण 1 व 2 लिख सकते हैं, या फिर हम ना भी लिखें तो भी हम आगे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें तीसरे नंबर पर जो सिद्ध करना है वो है कि हमें AD समांतर CF, AD कहाँ है ये देखिए, AD समांतर हमें CF सिद्ध करना है। अबे हमें यहाँ पे क्या मालूम है कि जो AD है वो किसके समांतर है, BE के समांतर है, और हमें ये भी मालूम है कि CF जो है वो BE के समांतर है, ये भी हमें पता है, क्योंकि जब हमने एक समांतर चतुर्भुज ABED सिद्ध किया था तब उसकी सम्मुख भुजा BE और AD बराबर हो गई। लेकिन जब हमने ये वाला समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है BEFC ये वाला, तब ये और ये फिर से हो गई, यानी ये इसके भी समांतर है और ये जो BE है इसके भी समांतर, क्योंकि BE हमारे समांतर चतुर्भुज ABED की भी एक भुजा है, आप देख सकते हैं, इसकी भी एक भुजा है ये BE, और इसकी भी एक भुजा है BE, आप देख लीजिए, है ना।
तो बी ई दोनों में है, तो बी इसके भी समांतर है और बी इसके भी समांतर है, तो बी इसके भी बराबर हुई और बी इसके भी बराबर हुई। लेकिन हमें तो ये और ये समांतर हैं कि नहीं ये सिद्ध करना है, और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं ये भी सिद्ध करना है। आप देख सकते हैं कि ए डी और सी एफ समांतर और बराबर हैं कि नहीं, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे आगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। अब जो हमें सिद्ध करना है वो तो आपको मालूम ही है कि हमें सिद्ध करना है कि ए डी और सी एफ बराबर हैं और समांतर हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे पुराने वाली चीज़ों की। जैसे ए डी जो है, बी ई जो है वो किसके समांतर है, ए डी के, और बी ई जो है वो किसके समांतर है, सी एफ के। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि चूँकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि बी ई जो है वो ए डी के समांतर है, जब हमने ये वाला चतुर्भुज लिया था, ये वाला आप देख पा रहे हैं ना। तो हमने क्या सिद्ध किया था कि ये इसके समांतर है। आप इस वाले चित्र में भी देख सकते हैं, ये चतुर्भुज जब हमने लिया था तो ये इसके समांतर हम और बराबर दोनों सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे कि तब बी जब हम सिद्ध कर चुके हैं कि बी ई जो है वो बराबर है ए डी के, और समांतर भी है बी ई किसके, ए डी के ही, इसे हम समीकरण एक बना देते हैं। उसी तरीके से अब बी ई और सी एफ का यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमें सी एफ और ये दोनों बराबर और समांतर सिद्ध करनी है, तो सी एफ को तो बीच में लाना पड़ेगा। तो बी ई और सी एफ भी आपस में कैसे हैं, समांतर और बराबर है। क्यों? क्योंकि जब हमने ये वाला चतुर्भुज लिया था ना, तब हमने सिद्ध किया था कि ये इसके बराबर है, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, और जो बी ई है वो सी एफ के बराबर है। अभी दूसरे नंबर पर जो सिद्ध किया था, तो हम लिखेंगे, तो हमने बी ई के बराबर एक चीज़ और बराबर सिद्ध की थी बी ई के, वो क्या है, सी एफ। और जब ये बराबर है तो ये समांतर भी होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था। तो हम लिखेंगे कि बी ई समांतर भी है सी एफ के, ये हमने सेकंड नंबर पे प्रूव किया था। अब यदि हम समीकरण एक व दो से देखें, तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, एक व दो से। अगर हम समीकरण एक व दो को देखें तो यहाँ पे बी ई के बराबर ए डी है और बी ई के बराबर सी एफ है, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। इसी तरीके से बी ई के समांतर ये है और बी ई के समांतर ये है, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो हो गया ना सिद्ध। तो हम लिखेंगे कि जब बी ई के बराबर ये है इसके, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तब ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ, और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये दोनों आपस में समांतर है, तो क्या होगा, ए डी समांतर है सी एफ के। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ, ये तीसरा भी सिद्ध हो गया। आप देख सकते हैं कि जो हमें तीसरा सिद्ध करना था, ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ, वही है यहाँ पे, ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ, हो गया ना सिद्ध। तो चलिए अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर हमें क्या सिद्ध करना था। ये देखिए, चौथे नंबर पर हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज जो ए सी एफ डी है, ये देखिए कहाँ पे है ए सी एफ डी, ए सी एफ डी ये वाला, ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। तब हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, और अब हम चौथी हेडिंग डालते हैं, और ये देखिए, तो जब हम यहाँ पे यदि हम देखें तो ए सी एफ डी हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। हमें तो ये मालूम पड़ चुका है कि ये इसके समांतर, ये अभी पता है ना कि ए डी किसके समांतर हो गया, सी एफ के। तो हम लिखेंगे चूँकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए डी बराबर सी एफ और
AD समांतर CF, ये पूरा लिख लिया। तो AD बराबर CF और AD समांतर CF, तो उस हिसाब से तो फिर AC और DF भी बराबर, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है कि समांतर अगर दो भुजाएं हैं बराबर और समांतर भुजाओं के संगत शीर्षों को यदि मिला दें तो क्या बनता है। तो ये देखिए, ये बराबर है और समांतर है, तो इनके संगत शीर्ष ये होगा AC और ये होगा DF, तो इनको मिला देंगे तो AC बराबर क्या होगा DF, और वो भी समांतर होंगे। तो हम लिखेंगे तो जब AD और CF आपस में समांतर और बराबर हैं तो इसका संगत शीर्ष A को C से मिला दें तो क्या बनेगा AC, और D को मिला देंगे FC। आप यदि समझ पा रहे हो तो मैं रफ में बताता हूँ आपको, यदि नहीं आया समझ में तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा। जैसे यहाँ पे ये बात हो रही है कि जैसे AD और ये बना है CF, ये वाला AD CF के बराबर है और समांतर है, तो इनकी संगत शीर्षों को मिलाइए। A का संगत क्या हुआ C और D का संगत क्या हुआ F, तो ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी समांतर और बराबर, ये कहने का प्रयास हो रहा है। तो AD DF के समांतर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तब बताइए कि कौन कौन, AC जो है DF के समांतर होगा, तो लिखेंगे तब AC बराबर भी होगा DF के और AC समांतर भी होगा DF के। इसके पीछे वही लाइन लिखेंगे कि अगर दो बराबर और समांतर रेखाओं के या दो बराबर और समांतर भुजाओं के संगत शीर्षों को मिलाने से बनने वाली भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं, तो इस तरीके की हम भाषा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है और बराबर हैं, तो ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा नंबर का जो है वो सिद्ध हो गया। तो ये दोनों भुजाएं उसके समांतर हो गई। तो जो हमें पांचवें नंबर पर जो प्रूफ करना है वो थोड़ा सा अजीब है। देखिए कैसे हमें पांचवें नंबर पर क्या प्रूफ करना है कि AC बराबर DF। अब अगर हम अपने चित्र की बात करें तो चित्र में हमें साफ साफ दिखाई देता है, अगर हम चित्र देखें, ये देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, AC बराबर DF। तो AC और DF तो तभी सिद्ध हो जाता है जब हम बोलते हैं कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो AC और DF तो वैसे ही सिद्ध हो गया, तो ये देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। AC बराबर DF पहले से ही प्रूव हो चुका है, तभी उसी बेस पे तो हम बोलते हैं कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो पाँचवें नंबर में कोई बड़ी बात नहीं है, तो पाँचवें नंबर को हम ऐसे लिखेंगे कि चूँकि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AC बराबर क्या होगी DF समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये भी प्रूव हो गया। अब आखिरी बचा है, आखिरी वो क्या है, वो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हमें सर्वांगसम प्रूफ करने हैं। तो चलिए हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम दोनों त्रिभुज वही वाले त्रिभुज लेंगे जो हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यहाँ पे वो दोनों त्रिभुज बने हैं, ये है ABC और ये है DEF, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रूफ करेंगे। तो ABC में सबसे पहला जो है भुजा है AB
वो यहाँ पे डी ई के बराबर है, ये पहले ही हमें दिया गया था। तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर और डी ई ये हमें दिया है, क्योंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यह हमें दिया ही गया है। वैसे दिया भी गया है और बताया भी गया है, सिद्ध भी किया है हमने कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये ए सी जो है, ये डी ई हमने सिद्ध किया है, ए सी सी एफ डी ए एक समांतर चतुर्भुज, ये सिद्ध किया है ना। तो उस हिसाब से ए सी और डी एफ आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ए सी बराबर डी एफ ये हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। और तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी। बी सी और ई एफ भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि हम बी बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है ये सिद्ध कर चुके हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा कि बी सी बराबर ई एफ ये भी हम क्या है, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और इसके लिए जो शर्त लगी है वह भुजा भुजा भुजा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो ये सभी चीज़ें हमने सिद्ध कर दी, छह चीज़ें थी जिनको हमें सिद्ध करना था। तो ये 11वां क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब आप यदि नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको बिल्कुल शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा, इसके बाद यहाँ से प्रूफ हुआ है। आप चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं, हालांकि ये बना हुआ चित्र है, तो आकृति आपके बुक में बनी है, तो इसमें ज़्यादा फिक्र की कोई बात नहीं है। ये देखिए, आप वीडियो को पॉज कर करके सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, और उसी तरीके से आपको अपने नोट्स में लिखना है जैसे आपने समझा है, ताकि आपको कभी भी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।